आज मैं आपसे बात करने वाला हूं एंग्जाइटी ड्यू टू जनरल मेडिकल कंडीशन के बारे में। इसका मतलब यह है कि कोई शारीरिक बीमारी वो व्यक्ति में है, उसके कोई लक्षण हैं, वो शारीरिक बीमारी के लिए कोई इलाज कर रहा है डॉक्टर के पास में, उसके फिजिशियन के पास में, फैमिली फिजिशियन के पास में, बीमार है और इसके लिए इलाज ले रहा है, इलाज कर रहा है, और उसके साथ साथ उसको चिंता की बीमारी के लक्षण आ जाते हैं, एंग्जाइटी के लक्षण आ जाते हैं, और वह एंग्जाइटी के लक्षण उसको इतने ज़्यादा आते हैं, इतनी एंग्जाइटी आ जाती है कि अभी एंग्जाइटी के जो लक्षण है, चिंता के जो लक्षण है, वो पहले आए कि पहले वो मेडिकल कंडीशन आई थी या शुरुआत उससे हुई, वो मालूम ही नहीं पड़ता। इतनी उसको चिंता हो जाती है, इतनी चिंता हो जाती है, इतनी घबराहट हो जाती है कि अभी क्या होगा, क्या नहीं, मरूंगा क्या मैं, और सबसे ज़्यादा चिंता जो होती है उसको मरने की चिंता होती है। फिर उसको पैनिक अटैक आते, इतनी घबराहट का ऐसा दौरा आ जाता है कि उसको लगता है कि अभी कुछ ना कुछ हो जाएगा और मैं मर जाऊंगा। फिर चेस्ट पेन, सीने में दर्द, फिर बहुत घबराहट, बेचैनी, रेस्टलेसनेस, हाथ कांपना, पैर कांपना, बेचैन होके इधर उधर जाना, इधर से उधर, उधर से उधर जाना, चक्कर आना, पेट में कैसा तभी लगना, पेट में ऐसा गड़बड़ लगना, पेट फूल जाना या लेटरिन लग जाना, पेशाब बार बार जाना, और एकदम ऐसी चिंता भरी रहती कि अभी उसका मतलब हुआ क्या भाई, इसको इतनी चिंता कि अभी मरता कि बाद में मरता, इतनी चिंता मरने की भी। पैनिक अटैक आ गया तो पूछो मत। यूजुअली ये जो एंग्जाइटी के लक्षण है, जो चिंता के लक्षण है, ये सेकेंडरी है। इसमें कुछ ना कोई बीमारी पहले प्राइमरी रहती है, बदन में कोई बीमारी है, वो डायग्नोसिस उसका हुआ है, उसके लिए वो दवाई ले रहा है अपने फिजिशियन से, और उसके साथ साथ ही अभी वो एंग्जाइटी हो गई क्योंकि उसको प्राइमरी कोई ना कोई बीमारी है। अब ये एंग्जाइटी जो है उसका इलाज करना जरूरी है, क्योंकि जब तक ये एंग्जाइटी रहेंगी तब तक वो प्राइमरी कंडीशन जो है वो भी अच्छी नहीं होती, मतलब वो विशेष साइकिल में फंस गया। तो अभी एंग्जाइटी के लक्षण कम करने के लिए उसको स्पेशलिस्ट का इलाज करना जरूरी है, स्पेशलिस्ट के पास में जाके इलाज करना, उसको जल्दी रिलीफ देगा। साइकेट्रिस्ट क्या इलाज करेगा? उसको बेंजोडाइजेपिन की दवा देंगे, बेंजोडाइजेपिन्स एंग्जाइटी कम करने वाली दवाई कि जिससे उसके एंग्जाइटी कम हो जाएंगी। हाथ पैर कांपें कांप रहे उसको हाथ पैर न कांपने की दवाई देगा, उसको साइकोथेरेपी देगा, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, साइकोथेरेपी अलग अलग प्रकार की, मानसोपचार देगा, सम्मोहन उपचार करेगा, ताकि फिर उसके जो लक्षण है चिंता के और डर जो है वो कम हो जाएगा। वो यदि कम होता है तो प्राइमरी लक्षण जो बीमारी के वो भी कम हो जाएगी और वो बीमारी जल्दी अच्छी हो जाएगी। तो हमको ये देखना है कि भाई उसको प्राइमरी बीमारी के साथ साथ एंग्जाइटी के लक्षण है क्या, और यदि वो एंग्जाइटी के लक्षण है और स्पेशली उसमें घबराहट, हाथ कांपना, बेचैनी, नींद नहीं आना, इधर से उधर निकल जाना, चलना फिरना घूमना, एक जगह बैठना नहीं, अभी मरता कि बाद में मरता, ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे, तो उसका इलाज जल्दी करो ताकि उसकी प्राइमरी कंडीशन जल्दी अच्छी हो जाएगी। ये जरूर लोगों को वीडियो शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पास में लोग फ़ोन के ऊपर कॉन्टैक्ट करते, काउंसिलिंग करते, नीचे नंबर दिया ना उसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट हमें कर सकते हैं, ताकि हम ऑनलाइन आपको सलाह मशवरा कर सकते हैं और आपकी बीमारी हम अच्छी कर सकेंगे। सो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हमारा जो मिशन है सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत, इसमें आपका भी हाथ लग जाएगा यदि ये वीडियो लोगों को आप शेयर करते हो तो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।